नमस्कार मु तेजराज साहू आपन को पुणी गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करुछी। ए वीडियो रे आमे चतुर्थ श्रेणी वार्डबुक यूनिट 1 विषय रे आलोचना करिबा। ताले आसंतु आलोचना करिबा क्लास 4 वार्डबुक यूनिट 1। नंबर 1 देखंतु राइट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड माने कोन जे एका परे सुना जाउतबा शब्द। एमिति गोटे उदाहरण हमकु दे दिछि टॉल र ऑल। ट्राए ट्राए रो आमे लिखि परिबा ड्राए। नोच नोच रो आमे लिखि परिबा रोच आर ओ एस रोच। वाइप वाइप रो आमे लिखि परिबा राइप। राइप माने पाचिला। टेक टेक रो आमे लिखि परिबा मेक तयारी करिबा। डॉग डॉग रो आमे लिखि परिबा लॉक। लॉक माने काठ गंडी एलोजी लॉक माने। पुनी वाइप रो दे दिजी लिखि दो राइप। ठीक अच्छे पाइप भी लिखिपर कि असुविधा पाइप भी लिखिदेव। ठीक अच्छे मच मच रच एसयूसीएच सच। फाइन फाइन रो आम लिखिपर नाइन एन आई एन ई नाइन। गैन गैन रो आम लिखिदे पेन। ठीक अच्छे यहाँ हूँ राइमिंग वर्ड। टल अल ट्राए ड्राए नोज रोज। वाइप राइप टेक मेक। डॉग लॉक वाइप पाइप मच सच फाइन नाइन गैन पैन। नंबर 2 राइट अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट माने विपरीत शब्द। ठीक अच्छे बिग र स्मॉल गोटे एग्जांपल दे दी फैट। फैट रे आम लिखा थीन टीएच आई एन थीन। तापर क्लेवर क्लेवर र फुलिश एफ डबल ओ एल आई एस एच फुलिश। लॉन्ग लॉन्ग रो कौन शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट। गुड गुड रो कौन हम बैट बी ए डी बैट। टल र सर्ट एस एच ओ आर टी सर्ट। हैप्पी हैप्पी रो सेट। ठीक अच्छे अनहैप्पी भी लिखि पार। ब्यूटीफुल रो अग्ली यू जी एल वाय अग्ली। ठीक अच्छे लिखिदे अपोजिट वर्ड बिग स्मॉल फैट थीन क्लेवर फुलिश लॉन्ग सर्ट गुड बैट टल सर्ट हैप्पी सेट ब्यूटीफुल अग्ली। नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स इन बॉक्स। वार्ड गुड़िक थीन स्मॉल फैट टॉल शॉर्ट ब्यूटीफुल एंड बिग। ठीक अच्छे ये वार्ड गुड़िक लगे कि हमें जो फिल इन द ब्लैंक देसी सेटा फिल अप करिबा। माय फादर इज ए डैशमैन। थीन मैन लिखि पारे भी हम फैट मैन लिखिले भी हम टॉल मैन लिखिले भी हम शॉर्ट मैन लिखिले भी हम। ठीक अच्छे चारिटी आम लिखिपर। ठीक अच्छे एंड माय फादर इज ए मुझे लिखिद शॉर्ट मैन एस एच ओ आर टी सर्ट मैन। ठीक अच्छे माय फादर इज डैश दे माय फादर इज कौन आम लिखिद फैट मोटा ये सर्ट लिखिले टल लिखिले। माय मदर इज भेरी डैश भेरी दे मैं कौन लिखा ब्यूटीफुल बी ए यू टी आई एफ यू एन ब्यूटीफुल। माय मदर इज भेरी ब्यूटीफुल। ठीक अच्छे तापर लिखा I have a dog and it is dash and dash। कौन लिखा ये आम लिखि big and tall big and tall बड़ आउ डेगा। माय सिस्टर इज डैश आउ कौन रहा थीन थीन टी एच आई एन थीन। माय सिस्टर इज थीन। ठीक अच्छे आ गोटे वर्ड रहीगला कौन स्मॉल। अच्छा आई लिव इन माय फैमिली इट इज डैश फैमिली इट इज स्मॉल फैमिली। तो पाने जब परीक्षा देखा खाली स्मॉल लिखिपर बिग फैमिली भी लिखिपर। ठीक अच्छे एथेरे बिग भी लिखिपर माय सिस्टर थीन जो अच्छे से फैट भी लिखिपर से टल भी लिखिपर शॉर्ट भी लिखिपर। ठीक अच्छे यहाँ अच्छे डिस्क्राइबिंग वर्ड जोटा भी तुम लगे पार कि असुविधा ना। दे नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर। द पोएम इज अबाउट डैश। ए पोएम टी क्या विषय अच्छी द पोएम इज अबाउट डॉग्स। डॉग्स विषय अच्छे हुईज डग सीम टू हाव नो सेप एट अल। कौ डग रोसी आकार ना पूरी जना जाए थीन डग पोएम्रे अच्छे थीन लिखा द थीन डग सीम टू हाव नो सेप एट अल। सी नंबर फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड मैंने अलग शब्द टी थीन फैट सेप आउ स्मॉल कौटा जीव थीन फैट स्मॉल ये गोटे सैज बताऊँ ये हूँ सेप बुझा सेप हो अलग। डी नंबर
वी कीप डैश एज पेट्स एज आवर होम आम आम घर क्या पोषा हिसाब से रखू लायन ना रख टाइगर्स नाई बियर नाई आम रखु क्या डॉग्स एणु डॉग्स हो उत्तर डॉग्स लिव इन कैनल के ई डबल एन ई एल कैनल ठीक अच्छे डॉग्स लिव इन कैनल देन नंबर फाइव मेज वार्ड्स विथ मीनिंग्स शब्द देखिए तार अर्थ दे ठीक अच्छे सेक सेक मान कौन टू मेक समथिंग ड्राई ना ब्राइट नुहे फ्रंट पार्ट ऑफ रूट नुहे मूविंग क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड एटा जीव सेक मान कौन मूविंग क्विकली फ्रॉम साइड टू साइड तापर शेप शेप मान कौन हम देख बॉडी साइज ती बॉडी साइज ठीक अच्छे बॉडी साइज शाइनी मान कौन ब्राइट उज्ज्वल जोटा जो चक चक ब्राइट ठीक अच्छे टो टो मान कौन फ्रंट पार्ट ऑफ फुट पाद आंगुठी नहीं वाइप टू मेक समथिंग ड्राई पोछा नहीं कुछ जिनस को सुखेला करवा टू मेक समथिंग ड्राई तापर नंबर सिक्स एनसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस तलर दि जा प्रश्न गुड़िकर उत्तर दि व्हाट इज द पोएम डॉग्स अबाउट कौन लिखा द पोएम डॉग्स इज अबाउट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ डॉग्स कौन लिखा डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ डॉग्स विभिन्न प्रकार आकार आकृति विषय देखिए डॉग्स मानकर ठीक अच्छे देन व्हिच वर्ड्स इन द पोएम टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग के वर्ड गुड़िक कौच तार शेप विषय कौन लिखिदे केमती लिखा देख द वर्ड्स बिग टॉल लॉन्ग शॉर्ट थिन फैट एंड स्मॉल लिखिदे आर टेल्स अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग्स बुझीगले लिखिदे एति वर्ड लिखे कि आर टेल टेल अबाउट द शेप्स ऑफ डॉग्स देन इन नंबर हु इज आई इन द फर्स्ट टाइम आई टा किए हु जाए लिखे द पोएट लेखक ये लिखिद द पोएट इज आई द पोएट इज आई इन द ला इन द फर्स्ट टाइम ठीक अच्छे द पोएट हु जगह द पोएट लिखिद खाली नंबर डी व्हिच टाइप ऑफ डॉग्स डू यू लाइक मोस्ट तुम्हें किपर डॉग को पसंद कर ठीक अच्छे ये लिखे आई लाइक डॉग्स डॉग्स द मोस्ट ये तुम्हें थिन लिखिपार फैट लिखिपार टल लिखिपार शॉर्ट लिखिपार निज हिसाब से तुमको जोटा पसंद लगे आई लाइक डैश डॉग्स द मोस्ट इन नंबर व्हाट इज द कलर ऑफ योर डॉग लिख द कलर ऑफ माय डॉग इज तुम लिखिद ये व्हाइट लिखिपार ब्लैक लिखिपार ठीक अच्छे व्हाइट ब्लैक जोटा लिखिपार तापर एफ नंबर डू द थिन डॉग सीम टू हैव शेप्स जो पतला कुकुर था किसी आकृति थाए पूरी जना जाए कि ना जना जाए ना आम पढ़ी एने लिखा नो द थिन डॉग्स डोंट सीम टू हैव एनी शेप ठीक अच्छे नो द थिन डॉग्स डोंट सीम टू हैव एनी शेप तापर जी नंबर व्हिच डॉग्स सीम टू हैव नो शेप कौ डॉग्स आम ए पढ़ले द थिन डॉग्स लिखिद द थिन डॉग डॉग्स सीम टू हैव नो शेप तापर व्हाट डू यू
कीप एज पैट्स एट होम तुम क्यों एनिमल गुड़ी को घरे पोषा हिसाब से रख लिखिदेव वी कीप डॉग्स कुकुर मानक रख कैट्स बिलाड़ी मानक रख काउस गाई मानक रख ऑक्सन बलद मानक रख हॉर्सेस घोड़ा मानक रख शिप्स शिप हम तार प्लूरल नहीं है शिप एच पेट्स एट होम ठीक अच्छे वी कीप डॉग्स कैट काउ ऑक्सन हॉर्सेस शिप एच पेट्स एट होम आलोचना करूँ क्लास फोर वार्कबुक यूनिट वन यदि भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करूँ आपर्यंत जब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ भिडियोटी देखिथ बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम।